बाहुबलीपुर गांव के जंगल में सुंदरी कव्वी एक ठेले में चिकन बेचा करती थी। उसकी दुकान से उसे बहुत फायदा होता था क्योंकि उसकी चिकन का ठेला बहुत अच्छे से चलता था और ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। उसकी कमाई इतनी थी कि वो उन पैसों से छोटे घोंसले से एक बड़ा घर खरीद ली। उस दिन से उसको बहुत घमंड हो गया। एक दिन उसकी दुकान में एक ग्राहक आया। दीदी, एक प्लेट चिकन देना तो और हिसाब खाते में लिख लेना, मैं हमेशा की तरह तुम्हें महीने के आखिर में पैसे दे दूंगा। तो सुंदरी बोलती है, कैसा हिसाब? आज से उधार बंद। और हाँ, अब से चिकन 30 रुपए प्लेट नहीं मिलेंगी बल्कि 50 रुपए प्लेट मिलेगा, समझे कि नहीं? तो हरिया कहता है, अरे सुंदरी दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ, आपको पैसे दे तो देता हूँ ईमानदारी से। तो सुंदरी बोलती है, तुम कैसे गरीब लोगों को सस्ते दामों में चिकन बेचकर मैं गलती करती थी, अब पहले पैसे रखो फिर चिकन खाना। इस तरह से सुंदरी बहुत घमंडी हो चुकी थी और वो गरीब ग्राहकों से पहले पैसे रखवाती थी, बाद में उन्हें चिकन देती थी। जब अमीर ग्राहक आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से बात करती थी। सुंदरी को पता था कि जंगल के पक्षियों के पास और कोई चिकन की दुकान नहीं है जहां वो चिकन खाने जा सके, इस बात का वो फायदा उठाती थी। फिर कुछ महीनों बाद उसकी दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना चिकन का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर सुंदरी उससे झगड़ा करने के लिए जाती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने चिकन क्यों बेच रही हो? कहीं और जाकर बेचो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तो पीलू कहती है, सुंदरी दीदी, इंटरनेशनल विमेंस डे आने वाला है, इसलिए मुझे लोन मिला नया काम शुरू करने के लिए। मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात है? वैसे भी मेरे कारण तुम्हें ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मेरे चिकन ऑर्गेनिक है, तुम्हारी ज्यादा बड़ी पुरानी दुकान है, मैं नई हूँ और मुझे लोन भी चुकाना है। पीलू की बातें सुनकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी जबकि सुंदरी बहुत घमंड से। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो चिकन को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए गांव में एक नोटिस जारी होता है कि जो चिड़िया अच्छा खाने की चीज बनाती होगी उसे इनाम मिलेगा। तो सुंदरी कहती है, ये पीलू तो बहुत ही टैलेंटेड है, इंटरनेशनल विमेंस डे कहीं ये जीत न जाए, मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी, इसकी दुकान से ग्राहक भगाने होंगे। मैं अपना दाम कम नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने चिकन का साइज ऐसा बड़ा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे, चिकन में केमिकल इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दूंगी। फिर ऐसा सोचकर सुंदरी अपने घर में चिकन में इंजेक्शन लगाकर उन्हें बड़ा कर देती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। और सुंदरी अपनी दुकान में ग्राहकों को बुलाना शुरू करती है, जंबो चिकन ले लो, जंबो चिकन, इतने बड़े चिकन कभी नहीं खाए होंगे, जंबो चिकन, जंबो चिकन। जंगल के पक्षी सुंदरी की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागने लगते हैं और चिकन का साइज देखकर चौंक जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सुंदरी की जंबो चिकन बिक जाते हैं। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अब इंटरनेशनल विमेंस डे मैं ही जीतूंगी। कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल विमेंस डे आता है और 3 चिड़िया जजेस पीलू और सुंदरी के ठेले पर आते हैं। वो पहले सुंदरी के बनाए हुए जंबो चिकन का स्वाद चखते हैं, लेकिन तभी चिकन खाते ही वो लोग उल्टियां करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियां हो रहे हैं। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुमने इन चिकन में क्या मिलाया है जिससे जजेस की तबीयत खराब हो गई? सुंदरी बोलती है, अरे वो, इसके पहले सुंदरी कुछ बोल पाती सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। जज जाबाज बोलता है, सुंदरी एक केमिकल से बड़े किए हुए चिकन है, तुम लोगों को बीमार करने का काम कर रही हो, तुम्हें फाइन लगेगा। पीलू चिड़िया, तुम इंटरनेशनल विमेंस डे की विजेता हो। पीलू को इनाम देकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं।
फिर? सुंदरी, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो चिकन का, लेकिन चिकन के नाम पर ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद चिकन खिलाती है। ऐसे टिल्लू बोलता है तो बबलू कहता है, तुम्हारे चिकन का जंबो साइज देखकर हम लालच में आ गए और उन्हें खाकर जजेस की हालत ऐसी हो गई जैसे वो बीमार हो गए। अब तुम्हें इसका हर जाना भुगतना होगा। ऐसे कहकर सभी पक्षी सुंदरी को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट चिकन बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की चिकन की दुकान थी। सुंदरी अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगे। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयां भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे, इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू, तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उसे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उसे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊँ मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा, तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चम्पी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयां खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है
और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लो के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा चोर उचक के डॉक्टर बंटी? बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है।